वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। आज के हमारे इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 देखेंगे। हमारा फेसबुक ग्रुप है स्टडी ऑनलाइन, इसे आप प्लीज़ वहाँ पे फेसबुक ग्रुप से हमसे जुड़ें, इस ग्रुप को आप ज्वाइन करें। ओके, सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट और लॉस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर दो टर्म इम्पोर्टेंट हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, जिस पर कोई भी आर्टिकल हम परचेज करते हैं जिस वैल्यू पर उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एंड एसपी, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, वो आर्टिकल जिस वैल्यू पर हम सोल्ड करते हैं या सेल करते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब फ्रेंड्स इसके देखो दो केस बनते हैं यहाँ पे। अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो गई तो हमें प्रॉफिट होगा, ओके। और इसका रिवर्स केस क्या, अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमें लॉस होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको देखनी है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाले जाते हैं, तो नीचे कॉस्ट प्राइस आएगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझने से ये चैप्टर बिल्कुल इजीली आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ये समझ लो आप, ये टर्म होती है प्रॉफिट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, इसे मैं PM से डिनोट कर दूंगा, प्रॉफिट मल्टीप्लायर, ओके। प्रॉफिट मल्टीप्लायर क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, सपोज मैं कहूँ कि कोई मैंने आर्टिकल खरीदा और उसे बेचने पर मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, सपोज, तो 25% से हम प्रॉफिट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे। जो भी आपको परसेंट का प्रॉफिट दिया हो, यहाँ पे 25 दिया है, उसे 100 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 25 बाई 100, 25 बाई 100 कितना होता है फ्रेंड्स, 0.25, ओके। और जो भी ये 100 से डिवाइड करने पर वैल्यू आए उसमें 1 ऐड कर दो, +1 इज इक्वल टू 1.25, ओके। प्रॉफिट मल्टीप्लायर क्या होता है, जो भी परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो उसे 100 से डिवाइड करके जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर, तो वो वहां पे प्रॉफिट मल्टीप्लायर निकल आएगा, ओके फ्रेंड। जैसे मान लो, सपोज एक केस और लेता हूँ मैं, 10% प्रॉफिट दिया है, तो इस केस में प्रॉफिट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 10/100, दैट मीन्स 0.1, दैट मीन्स 1, इसमें 1 ऐड करेंगे इज इक्वल टू 1.1, तो ये हो गया प्रॉफिट मल्टीप्लायर। आई होप समझ में आ गया होगा। इसे समझने से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। एक टर्म समझिए, लॉस मल्टीप्लायर, लॉस मल्टीप्लायर। अब आगे फिर इनका मैं यूज भी बताऊंगा, क्या यूज है इन दोनों टर्म का, इसका और इसका, ओके। लॉस मल्टीप्लायर क्या होता है, सपोज प्रॉफिट की जगह मैं कहूँ लॉस हो रहा है, मान लो मेरे को मैं कहूँ 20% लॉस हो रहा है, तो 20% लॉस हो रहा है तो हमें लॉस मल्टीप्लायर निकालना है। तो लॉस मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू लॉस परसेंटेज की दी गई हो, ओके फ्रेंड्स, जो भी वैल्यू लॉस परसेंटेज की दी गई हो, 20, यहाँ पे 20 दिया है, तो 100 में से 20 घटा दो, इस परसेंटेज को बोल जाओ 100 में से 20 घटाया कितना, 80, और उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो 0.8 आ गया लॉस मल्टीप्लायर। 100 में से घटा के फिर 100 में से डिवाइड कर दो, यहाँ पे पहले डिवाइड करके फिर ऐड करना था, यहाँ पे पहले 100 में से घटा के, 100 माइनस 20, ये 80 आया, 80 डिवाइडेड बाई 100.8, ये लॉस मल्टीप्लायर। सपोज मैं कहूँ 30% लॉस है, तो लॉस मल्टीप्लायर कितना होगा, 100 माइनस 30, 70, एंड 70 बाई 100 इज इक्वल टू 0.7। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड, इस पर बेस्ड इन कॉन्सेप्ट का यूज क्या होता है, एक दो फॉर्मूले याद कर लीजिए आप, एकदम इजीली इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले समझा दिया, प्रॉफिट मल्टीप्लायर का और लॉस मल्टीप्लायर का। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट और लॉस मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, लॉस मल्टीप्लायर LM से डिनोट कर देंगे,
यानी कि अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो प्रॉफिट मल्टीप्लायर लेना है, लॉस दे रखा हो तो लॉस मल्टीप्लायर लेना है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस चैप्टर में मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, उसके लिए आप देखते रहिए। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट या लॉस मल्टीप्लायर, यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाइड दे रखा हो तो प्रॉफिट लेना है और लॉस दे रखा हो तो लॉस मल्टीप्लाई लेना है, ओके, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, जैसे 25% प्रॉफिट दे रखा हो सपोज, तो 25% प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/4 प्रॉफिट, 1/4 प्रॉफिट। तो 1/4 प्रॉफिट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर फोर्स कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 5। ये आप समझ लीजिए, यानी कि अगर 25% प्रॉफिट दे रखा है सपोज सपोज, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 1/4 लिख सकता हूँ मैं, इतना प्रॉफिट हो रहा है। इस 1/4 प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर 4 रुपीज़ हमारी सेलिंग प्राइस, सॉरी 4 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़ है, तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स 1 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, 5 रुपीज़ सेलिंग प्राइस बन जाएगी, ओके। चलिए इस पर बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, फाइंड गेन परसेंट, ओके। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे करेंगे हम, सेलिंग प्राइस दे रखी है इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सीपी, ठीक है, ओके। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3 एंड 4/3 ऑफ सीपी, ठीक है। यहाँ से SP बटे CP कितना आ गया, इसको CP को इधर भेज दिया तो 4/3 बच गया, ओके फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, आप समझिए, इसका मतलब यह है कि अगर सेलिंग प्राइस 4 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब वो प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड आउट करना कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट देखो, सेलिंग प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी ऊपर, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे यहाँ पे, 4 सेलिंग प्राइस है, 3 कॉस्ट प्राइस है, दैट मीन्स 1 रुपये का प्रॉफिट, प्रॉफिट 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स 100/3% प्रॉफिट, दैट मीन्स 33 1/3%, ओके फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, ये SSC का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियो में कराता हूँ वो सारे SSC के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए कितना इजीली क्वेश्चन हो गया, आप आराम से इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके फिर आराम से ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बाइज ए साइकिल 4 रुपीज 1400 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। तब यहां पे देखिए मैं उस प्रॉफिट और लॉस मल्टीप्लायर का यूज कैसे करूंगा, उसको यूज करके बताता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन में। देखिए लॉस दिया है हमें कितना, 15%, तो लॉस हमें 15% दिया है, तो लॉस मल्टीप्लायर कितना निकल जाएगा, लॉस मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 100 में से 15 के 85, 85 डिवाइडेड बाय 100, 8.85, ये हो गया अपना लॉस मल्टीप्लायर, ओके लॉस मल्टीप्लायर। अब हमें क्या निकालना है, SP निकालनी है, CP दे रखी है, तो मैंने बताया था CP मल्टीप्लाई बाय लॉस मल्टीप्लायर इज इक्वल टू SP, CP कितनी दे रखी है, 1400 मल्टीप्लाई बाय 0.85 इज इक्वल टू SP, यहाँ से पॉइंट हटा लो,
85 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एस पी, ये कैंसिल, ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 77 77 112 119 119 1190 रुपये इसकी एस पी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस मल्टीप्लाई पर। यहाँ पे अगर प्रॉफिट दिया होता तो यहाँ पे प्रॉफिट मल्टीप्लाई लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ए मैन बॉट ए टाइपराइटर फॉर रुपीज 1200 एंड स्पेंट 200 रुपीज ऑन इट्स रिपेयरिंग, ही सोल्ड इट फॉर 1680 हिज प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ओवरऑल 1200 रुपये में उसने खरीदा और 200 रुपये उसने रिपेयर पर लगाए, तो ये भी उसकी जेब से गए, ये भी उसकी पॉकेट से गए, तो जो मनी पॉकेट से जाता है वो सीपी होती है, तो ये दोनों मिलके गए, तो टोटल सीपी कितनी होगी, टोटल सीपी 1200 प्लस 200 इज 1400, और एसपी कितनी दिया है हमें 1680, तो एसपी ज्यादा है सीपी कम है, दैट मीन्स प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, तो कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 1680 माइनस 1400, दैट मीन्स 280 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इन 200, प्रॉफिट कितना है 280, डिवाइडेड बाय सीपी कितनी है 1400 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस कैंसिल 14 20 टाइम्स, दैट मीन्स 20% प्रॉफिट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं एक दो इसी पर बेस्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है एसएससी 2012 में आया था, इसमें मैं आपको देखो वही मल्टीप्लायर वाला यूज करके दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज दिस मच एंड 30% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना 30%, तो प्रॉफिट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा इससे, मैंने क्या बताया था, जो भी प्रॉफिट दे रखा हो उसमें 100 का डिवाइड कर दो, दैट मींस 0.3 आएगा, और उसमें 1 ऐड कर दो, दैट मींस 1.3 प्रॉफिट मल्टीप्लायर हो गया। अब इसका क्या है, सीपी फाइंड आउट करनी है, तो फॉर एसपी दे रखी है, एसपी दे रखी है, तो सीपी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू एसपी, एसपी कितनी है, सीपी कितनी है इंटू 1.3 प्रॉफिट मल्टीप्लायर, एसपी कितनी है 1690, तो सीपी विल बी इक्वल टू 1690 डिवाइडेड बाय 1.3, तो 1.3 से डिवाइड कर लो, इसको पॉइंट हटा लो चाहो तो, डिवाइडेड बाय 13, ये 13 टाइम्स, तो आंसर विल बी 1300 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट से, जबकि इसका फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा 2-3 मिनट कम से कम। ये कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस करना, फिर इसे आप ओरली भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ देर इज 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसको कैसे करेंगे हम इजीली, प्रॉफिट दे रखा है 20%, प्रॉफिट दे रखा है 20%, 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 डिवाइडेड बाई 100 दैट मीन्स 1/5, इतना प्रॉफिट दे रखा है हमें 1/5, तो मैंने क्या बताया था, 1/5 प्रॉफिट का मतलब है कि सीपी अगर 5 रुपये है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स एसपी कितनी हो जाएगी 6 रुपीज, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये का, ये प्रॉफिट है, तो ये जो प्रॉफिट निकाला इन्होंने वो है सीपी पर, हमें निकालना है एसपी पर, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे एसपी पर, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, यही तो निकालना है हमें एसपी, तो कितना निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एसपी मल्टीप्लाई बाई 100, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, 5 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स 1 प्रॉफिट, एसपी कितनी आई यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि ये 3 बार, ये 50 बार, 50/3% और 16 2/3% आंसर,
ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ सवाल बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेसिक थे कुछ। आगे आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और उन पर बेस्ड ट्रिक सब अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स। कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक ग्रुप फ्रेंड्स स्टडी ऑनलाइन से आप जुड़ें, वहाँ पर अपनी कोई भी प्रॉब्लम पोस्ट करें। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।